मुंबई, जहां जना ने स्त्री और भेड़िया प्राइवेट लिमिटेड खोल लिया है और इसकी कंपनी की वैल्यूएशन 69,000 बिलियन हो गई है। वाओ, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ये इतना अमीर है कि इलॉन मस्क इसके घर झाड़ू लगाता है, सब्जी तरकारी लेके आता है, सौरव जोशी इसे घमंड नहीं दिखाता और मिस्टर बीस्ट इसके वॉशरूम में शूट करवाता है। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं जड़ा के बाथरूम में स्क्विड गेम्स का वीडियो। तो इसका जूनियर नवीन एस्पिरेंट में धैर्य को खोने के गम में दारू पी रहा है और ये सैड है कि इसकी कंपनी वालों ने इसे ब्राजील नहीं भेजा प्रमोशन में। बुरा लगता है भाई। तो इसको जना बोलता है, तू क्या है? तेरा बाप हूँ मादर। मैं टीवीएफ का स्टार हूँ। अबे नहीं, तू बिक्की है, आई मीन तू बियर है। कौन सी? स्ट्रॉन्ग माइल्ड रूट फ्रूट अल्ट्रा ब्रोकोट कौन सी? अबे सुन, मैं तुझे ऐसी एडवाइस दूंगा जो इंडिया की वेब सीरीज का गेम चेंज कर देगा। ये जॉब वगैरह छोड़ और अपना स्टार्टअप का आइडिया पुश कर, तू अकेला एक बियर संभाल नहीं पाएगा, इसलिए तुझे चाहिए पिक्चर्स। तो इसका स्टार्टअप आइडिया जो शायद इन्हें भी नहीं पता, वो नास्कॉम कॉन्क्लेव में सिलेक्ट होने वाला है। हम कैसे बोल ले? और ये मॉकआउट का मजदूर हो जाता है अपनी कंपनी से दूर। रजत आप चूती हैं और आपका डिपार्टमेंट, इनफैक्ट आपकी सारी कंपनी चूतिया है रजत। और ये रहता है अपने परमानेंट रूममेट एमबीए मंडल के साथ, जो बहुत अनोइंग है यार। क्या करूं, क्या खाएगा? दही। आई मीन लोनली है। अस ब्रो अस। वहाँ हर सीरीज में सेम नाम वाला जीतू करता है किसी आईटी कंपनी में डेवलपर का काम। इसका काम है कोड करना, वेट करना, फिर पानी भर के वेट करना, क्लासिक फूकना, वेट करना, एनॉय होना, कोड सेव करना और अपनी अगली सीरीज में फिर से खुद का नाम जीतू रखवाना। पंचायत में अभिषेक नाम था। एक तो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक नहीं, अभिषेक। वहाँ योगी, जिसके बाल झड़ रहे हैं, किसी आईटी कंपनी का बॉस है जो सबको सिखाता है नेवर क्विट, नेवर गिव अप, नेवर ब्रेक द नोनट नवंबर। आई डू सर एवरी सिंगल नाइट। गाइस आई क्विट। तो ये क्विट कर देता है? गलत बात योगी, गलत बात। पर जीतू ऑन बोर्ड नहीं है जॉब छोड़ के, रिस्क उठा के किसी कंपनी का 25% का मालिक बनने के लिए। क्यों? और ये रो रहा है। बेबी कौन पता कितने का रहा है? 100 रुपए का 100 ग्राम, 1000 रुपए किलो। तो क्या नाचो मैं? समझने की कोशिश करो, अभी जॉब नहीं छोड़ सकता यार मैं। पर जीतू को पता चला कि वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, सब डेजा वू हो रहा है और इसको अगली सीरीज में नाम और पापा चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आई क्विट। बड़ा आसान है। नवीन अपने बॉस रजत, जो मोकार्ट का हेड है, उसको रेजिग्नेशन देने जाता है। पर रजत ऐसा बंदा है जो अपनी बीवी के सामने अपनी बंदी के साथ घूम के अपनी बीवी को गिल्ट ट्रिप दे सकता है यार, कि तू गलत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो कन्विंस कर देता है नवीन को कि तेरा स्टार्टअप, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो चलेगा ही नहीं, तो तू ये जॉब कंटिन्यू कर और बीजिंग जा, चाइनीज सीख, देखना 2020 के स्टार्ट में बड़ा मजा आएगा। So that was a fucking lie. तो नवीन के पास दो ऑप्शन है, ऐसा स्टार्टअप जिसके बारे में सिर्फ राइटर को पता है उस पे ध्यान दे, या फिर अपने सच्चे दोस्त जो लाखों के पैकेज वाली जॉब छोड़ के बैठे हैं, उन्हें डिच कर दे। क्या करे, क्या करे, क्या करे? चिली बेबी कॉर्न मंगाते हैं यार, वो नहीं आएगा। मैं आ गया। तेरी माँ का मूड स्विंग। आ गया तू। पर गेस व्हाट, नास्कॉम कॉन्क्लेव में इनका आइडिया सिलेक्ट ही नहीं हुआ। फक। तो गई सबकी जॉब। हे राम, मेरी सैलरी का क्या होगा यार? वहाँ एमबीए मंडल 27 साल का हो गया है, और इस देश में 27 साल का आदमी आदमी नहीं होता, वो होता है अनमैरिड। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो एमबीए मंडल की पॉसिबल बीवी उससे शादी नहीं करेगी, जो जीवन में रिस्क लेके स्टार्टअप शुरू कर रहा है, क्योंकि ये औरत स्ट्रगल का साथ नहीं देगी यार। हिपोक्रेसी। तो एमबीए मंडल शादी से बचने के लिए इस बेनामी स्टार्टअप में जुड़ना चाहता है, जिसके बारे में ये भी नहीं जानता। क्या बेच रहे हो भाई? वहाँ जीतू का बाप, बाप नहीं, जेम्स बॉन्ड का बाप है यार। 26 साल के मैरिड जीतू पे बड़ा कंट्रोल है इसका। एक मिनट जीतू, यहाँ आके बैठ। इवन पासबुक तक अपने पास रखता है ये आदमी, जिसमें हर दिन 16 रुपए के ट्रांजैक्शन पे सवाल पूछता है। बेचारा जीतू, आई फील यू ब्रो,
अब इन्हें कौन बताएगा एडवांस महंगी हो गई है। 17 का यार ये भैंड का लोड़ा। तो योगी और राजीव योगी और नवीन ने प्रॉमिस किया है जीतू को कि उसे सैलरी देंगे ताकि उसके पापा को पता ना चले, क्योंकि वो स्टार्टअप तो छोड़ो जीतू को वॉशरूम में 3 मिनट से ज्यादा अंदर रहने नहीं देते। जीतू आ रहा हूँ पापा। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। बड़ा अजीब बाप है यार ये, इन्हीं लोगों की वजह से बागबान एवरग्रीन मानी जाती है। मैं पहली बार देखा ना मैं बहुत रोया था, और दूसरी बार देखा मैं बेंचो क्यों रोया था। तो योगी और नवीन सारी सेविंग्स बचा के इंक्लूडिंग वाईफाई दूध न्यूज ब्रेजर्स सब कुछ मिला जुला के टोटल मात्र 7,450 रुपए बचा पाते हैं। क्या रे भीख मंग गया। तो सिंस जीतू महंगा पड़ रहा है तो एमबीए मंडल को ये कैसे ले अपने स्टार्टअप में। मंडल तो ऐसा है जो खुद दहेज में लोग के घर जाता है। क्या तो ये लोग स्ट्रेस में है, और इस स्ट्रेस में और स्ट्रेस का तड़का डालने के लिए नवीन के पास एक बंदी भी है श्रेया। हेलो। जो ट्रिपलिंग करके वापस आ रही है, पर ये तुम्हारी बंदी जैसी नहीं है, ये सपोर्ट करती है इसके करियर को। वेरी गुड। इवन जीतू की अरेंज मैरिज वाली बीवी सौम्या भी इसे सपोर्ट करती है। अच्छा अच्छा है। पर सामने एक ही पहाड़ है, जीतू का बाप। मैं पागल हूँ। उसे कैसे पटाएं? वहाँ सिंस योगी और नवीन के पास गिन के 7,450 रुपए का पैकेज है, तो ये लोग योगी के दोस्त के भाई के चाचा के लड़के को एज एन इंटर्न हायर करेंगे, जो है डंजन मास्टर 69 कारागांडो, जो इन्हें कहता है व्हाट्स अप बिचेस, देखो मैं एक हैकर हूँ, और तुम्हारी मेल तो छोड़ो, तुम्हारी मम्मियों के व्हाट्सएप भी मैंने हैक करके रखे हैं, जो तुमने उन्हें स्टोरीज में हाइड करके रखा है ना, उन्हें मैं सब बता सकता हूँ। और क्या रे नवीन, तेरी मम्मी एक ही गुड मॉर्निंग स्टेटस क्यों भेजती है? ये तो प्यार है। एनीवे मुझे चाहिए 30% इक्विटी, लाल रंग के ट्यूबलाइट्स, और सर्दी के सीजन में आम और लीची। तो इन्हें अब जीतू चाहिए भाई। अब आए ना लाइन पे। पर जीतू की सैलरी कैसे देंगे? तो एमबीए मंडल प्रकट होता है श्रेया द गर्लफ्रेंड के साथ। गाइस इस शो का मैं फेवरेट कैरेक्टर हूँ, तो वेल मैं हर चीज में तुम्हें बचाऊंगा। एनीवे जब तक फंडिंग नहीं मिलती मैं जीतू को हैंड जॉब इसको जॉब वाली सैलरी दूंगा, क्योंकि मुझे घर के विजिट पे नानी ने 70% प्रॉपर्टी दे दी थी। जब से एमबीए किया है खानदान में इज्जत बढ़ गई है मेरी। और बस फिर 33% की पार्टनरशिप अब 25% की हो गई। ये तो 8% का नुकसान हो गया खड़े खड़े। तो इन्हें चाहिए फंडिंग, पर वो कहां से मिले, कौन देगा इन्हें? शिवाजी द बॉस, अश्नीर ग्रोवर, भाई फिर तू क्या करेगा? अनुपम मित्तल, ये औरत जिसका किसी भी चीज में एक्सपर्टीज नहीं है। सो आई एम आउट। नहीं, गैरी पॉटर। What's up, bitch? गैरी पॉटर ने हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद मैजिक भुजिया का बिजनेस शुरू किया। सलाम करो इन्हें, यही है चखने के मालिक यार। सलाम। तो प्रभु गैरी पॉटर कहते हैं, हे वत्स, तुम चारों हो क्यूटी, इसलिए हम लेंगे 51% इक्विटी। क्या बात है सर? भोसड़ी के सब्जी नहीं बेच रहा हूँ। पर वेल 51% का जो भी मालिक बनता है वो कंपनी का मालिक बनता है, तो ये इनकी कभी भी कहीं भी कैसे भी गॉन्डियम लेवियोसा कर सकता है भाई। ज़्यादा स्टेक मांग रहा हूँ, कुछ नहीं। छुतिया समझा मेरे को। तो अब सब स्ट्रेस में है क्योंकि नहीं मिल रही है फंडिंग की ट्रीट, और मंडल हिला रहा है देख के वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। अस ब्रो अस, वेट व्हाट, नहीं यार मैं तो स्कैम 1992 पे हिलाता हूँ। मगर जीतू और फ्रस्ट्रेटेड है, और इसका स्ट्रेस बढ़ाने आ गए बागबान के सबसे बड़े फैन, इसके स्ट्रिक्ट पापा। हेलो देयर। जिनकी जीन्स जीतू को लगी नहीं। मेरा पुत्र। इसका बाप इतना स्ट्रिक्ट है कि कहता है मनाली ट्रिप पे शाम 5 बजे निकलो और 5:15 तक घर वापस आ जाना। तो इतने स्ट्रिक्ट बाप को कैसे बताया जाए कि इसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप शुरू किया है उन दोस्तों के साथ जो डैड की इसके साथ मत घूमना कभी वाली लिस्ट में आते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। वहाँ नवीन योगी और एमबीए मंडल गए हैं फंडिंग उठाने के लिए शार्क टैंक सीजन 69 की ऑडिशंस में। आधो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी वेंचर। पर वेल जीतू के बागबान पापा उसे खेलने नहीं जाने दे रहे, वो भी संडे को। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट चलता है संडे को? तो अब इन तीनों ने 4 लोगों के नाम पे अपनी एंट्री रजिस्टर करवा ली, और फॉर सम स्टूपिड रीजन अगर एक भी डांसर मिसिंग है तो स्टेज पे नाचने नहीं देंगे ये लोग। बताओ ऐसे ऑर्जी में हो जाए तो सबका कॉक ब्लॉक ना हो जाए। अरे ऐसे कैसे जवाब दे रही है? वहां गैरी पॉटर डंबलडोर को नए छड़ी के फंड्स देके वापस आ रहा है। थैंक यू गैरी पॉटर। और साथ में हरमाइनी भी है।
तो इसे पता चल गया कि ये लोग इसका ऑफर ठुकरा के शार्क टैंक गए हैं। वहां जाओगे अश्नीर बुंड मार देगा, मैं तुम्हें 10 और लगा के दूंगा, पर कंपनी की 200% इक्विटी मेरी। आराम से सोचो, मैं तब तक हरमाइनी को अपनी एल्डर वांड दिखाता हूँ। तो नवीन पे प्रेशर है, तो वो बाथरूम में चला जाता है, वो भी वुमेन्स। जेंट्स वॉशरूम खुला रखा है लेकिन फीमेल वॉशरूम लॉक करके रखा है। जहाँ वो कमोड़ पे अच्छे डिसीजंस लेता है। सही बोल रहा हूँ, अगर कमोड़ पे पेपर होने लगे ना तो हर बच्चा टॉप मारेगा। बात तो सही है, पर ये अंदर करता क्या है? सुट्टा मारता है या वो मारता है जो तुम सोच रहे हो? अबे धार। पर ये है इसका जूरी रूम, जहाँ अंदर ये दुनिया के सारे टफ डिसीजन सिक्का उछाल के लेता है। अबे आईपीएल थोड़ी ना चल रहा है यार, हेड आई तो बैटिंग, टेल्स आई तो सेमीफिनाले में बाहर है। कोई सेंस है इस बात की? तो नवीन डिसीजन लेके जाता है जीतू की बिल्डिंग के नीचे, जहाँ जीतू अपने बाप से चार चप्पल खा के आया है। मजा आया। हम गैरी पॉटर से फंडिंग नहीं लेंगे। क्यों? वो डार्क आर्ट्स में घुस गया है और उसका यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि रॉन की बहन और बंदी दोनों छीन ली। अबे ये गांडू सिक्का उछाल के डिसीजंस लेता है, बताओ गैरी पॉटर द चूजन वन को गंदा बोल रहा है। अबे सिक्का उछाल के डिसीजंस लेता हूँ, सिक्के का रिजल्ट देख के नहीं। जब सिक्का हवा में होता है ना, तो जो रिजल्ट्स मन में सोचता हूँ उसी पे बिलीव करता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है। गैरी पॉटर 200% इक्विटी ले रहा है, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो हमें भी नहीं पता क्या है, उसको इतना पैसा देगा कि वो अश्नीर से भी बड़ा बन जाएगा। ये सब दोगलापन है। नहीं बात तो सही है, चलो अब जाओ फिर, तुम शार्क टैंक के इवेंट पे जाओ, तब तक मैं पापा से पिटता हूँ। कारा गांडो कहाँ भाग गया था? तो फाइनली ये लोग जाते हैं शार्क टैंक में, मगर बूम, अश्नीर कंट्रोवर्सी में फंसा है, तो उसकी जगह आ गया नवीन का एक्स बॉस रजत, जो इतना शातिर है कि ये गवर्नमेंट से टैक्स भरवाता है, यूट्यूब इंडिया के चैनल पे कॉपीराइट मरवाता है। मां चूत गई। देखो एपिसोड 1 देख के लगा होगा मैं गंदा आदमी हूँ, पर मैं आदमी अच्छा हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ के सभी टीम से साइन ले आओ, जिसमें वो एग्री कर रहे हैं कि तुम अपना प्रोडक्ट, जो मुझे भी लौड़ा पता नहीं क्या है, उसे प्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने दूंगा। तो राम निकला है, देव मानुष निकला। तो ये लोग सबकी गांड पे चढ़ जाते हैं साइन करने के लिए, मतलब करवाने के लिए, पर लंच ब्रेक है और खाने में कस्टर्ड है यार, तो कोई साइन नहीं कर रहा। बताओ अब तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और लोग मुझे बुरा बोलेंगे। चलो तुम अपना देख लो, मैं चला अमन गुप्ता के स्पीकर में पॉन हब का साउंड चेक करने। इसे देसी रिवर्स फ्लैश का रोल दे दो यार कोई। वहां जीतू अपने बाप को कन्विंस करना चाहता है। क्या बेचना चाहता है तू? तुझे भी पता है पापा सीजन 2 में पता चल जाएगा। अरे सीजन 2 के ट्रेलर में रखा भी नहीं है तुझे, ये वही दोस्त हैं जो नशे करके सो जाओ तो साला MMS बना के hotindianguy.com पे अपलोड कर देते हैं। इन पे भरोसा करोगे? मैं चला बागबान के फैन फेस्ट पे। ओके बाय। तो जीतू और उसकी सपोर्टिंग धर्म पत्नी के बीच में प्यार उमड़ रहा है यार, क्योंकि उसी औरत ने शुरुआत से इन्हें सपोर्ट किया। मम्मी पापा ऐसी बहू ला दो यार मेरे लिए, सही में। शक्ल देखी अपनी। वहां नवीन, योगी और MBA मंडल को अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करने को मिला ही नहीं, पर ये लोग नच बलिए में परफॉर्म कर सकते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। रिस्पेक्टेड जजेस एंड ऑल माई डियर वर्जन्स, हम आज अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं है उसके बारे में। मेरा पहला स्टार्टअप था माल बेचना, और एक कस्टमर को माल डिलीवर करके अपनी ही पुलिस भेज के उसे पिटवा के माल और पैसा रिकवर करके उसे किसी और कस्टमर को बेच के प्रोसेस रिपीट करता था मैं। वो था मेरा लाइफ का बिजनेस मॉडल। मुझे पता है आप सब लोग हाई एस फक हो, और मुझे पता है कि माइक पे एस्पिरेंट के म्यूजिक पे अगर कुछ भी बोल दो तो मोटिवेशनल लगता है और वायरल हो जाता है। एनीवे इस कॉन्वर्सेशन का कोई पॉइंट नहीं है। कौन बोला ये? ठीक है जा रहा हूँ, एंड फक यू रजत 69 टाइम्स फक यू। पर इसकी गंदी सी स्पीच द वायरल फीवर हो गई और सारी फोन की स्क्रीन पत्ती पे लोगों ने इसे देखा, और TVF का एक और कैरेक्टर पुनीत सुपरस्टार इन्हें बोलता है, चिया तुमने बहुत ही अच्छी कोटी बंगली वाली स्पीच दी, मेरे ऑफिस आके अपना प्रोडक्ट बेचो वरना इतने जूत मारूंगा। और वेल फाइनली एक इन्वेस्टर मिल गया इन्हें। जान छूटी। ए ये क्या कर रहे हो?
वहाँ MBA मंडल उदास है क्योंकि इसने MBA किया है और MBA हर कोई कर रहा है, hence MBA की वैल्यू MBA हो गई। M फिर B फिर A MBA। तो ये डिप्रेशन में राजू रस्तोगी के साथ सब शेयर कर देता है। यार वो योगी ऑल राइट बोल के कुछ भी राइट नहीं करता। मुझे दिन में 6 बार मादर चोत बोलता है। वो कहता है कि MBA की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो सच है। तेरे को पता है मैं कितना करता हूँ उस कंपनी के लिए, और सब इम्पोर्टेंट डेटा सेव इस पेन ड्राइव में करता हूँ। बड़ा सुंदर और कीमती पेन ड्राइव है ये। टू बैड अगर कोई चोरी कर ले। A few moments later. ये चोर, वहाँ ये चारों को फंडिंग मिलने वाली है, पर फंडिंग कौन कर रहा है यार? कोटा फैक्ट्री का संदीप महेश्वरी। हेलो, आई लाइक मनी। एजुकेशन लाइन छोड़ के स्टार्टअप में क्या कर रहे हो सर जी? करना पड़ता है। पर संदीप महेश्वरी इन्हें कहता है, तुम लोग का आइडिया अपलोड किया मैंने, पर इस पे किसी ने क्लेम मार दिया। मतलब तुम्हारा आइडिया पहले भी मुझे किसी ने पिच किया है। तो देख ले भाई अपना, मैं तो उसी के साथ काम करूंगा। कॉपीराइट लॉ गया माचुदा ने। क्या हुआ? तो इनकी किस्मत को ऐसे कुत्ते ने काटा है जिसको रेबीज के साथ साथ कोविड भी है। पर ये साला आइडिया चोरी कैसे हुआ? थोड़ी ना हमने सारा आइडिया किसी पेन ड्राइव में डाला था जो नशे में किसी ने चोरी कर लिया। It was at this moment that he knew he fucked up. All right, तो अब मैं तेरी गांड मारूंगा। साले MBA के चोदे, निकल यहाँ से, किसी काम का नहीं है तू। ओके बाय। मार की आंख। पर इन्हें जिस कुत्ते ने असल में काटा है उस कुत्ते का नाम है डंजन मास्टर 69। और इनकी किस्मत को फिर से रेबीज और कोविड वाले कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि यहाँ नवीन की बंदी श्रेया भी कर रही है इसे अबैंडन्ड, क्योंकि इसे जॉब मिल गई है इन लंदन। तो अब ये नहीं इवन रह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कभी भी वर्क नहीं करता यार लॉन्ग डिस्टेंस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहाँ जीतू और योगी जाते हैं डंजन मास्टर 69 के पास। अबे सुन बे ओए वर्जिन, तू नहीं जीतू, तू, तेरा हमें सब पता है। अब ये कंपनी मेरी है क्योंकि मैं सरकार चोर हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो अब ये कंपनी मेरी, तुम्हारी चड्डी मेरी, तुम्हारी बंदी मेरी, और जीतू तेरी बीवी मेरी। तो ये साले हैं हैकर नल्ले से। तो जीतू फोड़ देता है सारा सेटअप बल्ले से। डब्लू जीतू डब्लू, बाप का सारा गुस्सा यहीं उतार दे। मार और मार, समझ ये पीसी तेरा बाप है। गुंडे नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हैं मैं चोद। पर वेल, इससे इन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डंजन मास्टर 69 ने ऐसा ऑफर रख दिया जिससे वो प्रोडक्ट महेश्वरी प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे पर प्रोडक्ट क्या है यार? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो वहाँ MBA मंडल जो रूट के गया था वापस आ गया और आके कहता है, रिस्पेक्टेड संदीप महेश्वरी सर और ऑल डियर माय फ्रेंड्स एंड योगी सर, ये देखो मैंने फिल्मोरा के ट्रायल वर्जन पे ये PPT बनाई है जिसमें आपको मैं इनकी फोटोज दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर सीजन 2 चाहिए तो आपको मेरे प्यारे दोस्त और योगी की जरूरत पड़ेगी। बाकी अपना देख लो। और ये बैंडेज मुझे कैसे लगा ये भी राइटर ने नहीं बताया। तो जाते जाते अंडमंड का टोला ये ऑफर नहीं दिया तो तू ए! तो अब इंतजार करना होगा क्योंकि महेश्वरी को अंडमंड का टोला नहीं बनना। मुझे भी। वहाँ योगी को MBA की वैल्यू समझ में आ गई तो ये दोनों सेक्स कर लेते हैं। और पुनीत सुपरस्टार बाहर आता है और उसके हाथ में है घड़ी, चेक। इन्हें फाइनली फंडिंग मिल गई। इन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए। जीतू ने अपने बाप को खो दिया, योगी ने अपने बाल को खो दिया, MBA मंडल ने पेन ड्राइव खो दिया, नवीन ने अपनी गर्लफ्रेंड खो दी, डंजन मास्टर 69 ने तो अपना PC खो दिया भाई, सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए जो साला पता ही नहीं कि क्या है। क्या बेच रहे हो भाई? तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? 17 का यार ये भयंकर लोड़ा इसकी मार्केट कि गैरी पॉटर के पास इतना पैसा है कि उसने हॉगवर्ड्स खरीद लिया, डंबलडोर खरीद लिया, रॉन की बंदी और बहन खरीद ली, पर एक मम्मी पापा नहीं खरीद पाया। ए, क्या बकवास कर रहा है? लाइफ में अगर तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा यार तुम्हें। शायद तुम जीतू, शायद तुम हारो, मगर रिस्क नहीं लोगे तो तुम पहले ही हार जाओगे, क्योंकि इस सीरीज ने सही कहा है, रिस्क है तो इश्क है। अब स्कैम 1992 की लाइन है ये। एनी तू गाना बजा, मैं इसे ठीक करता हूँ। ओके। द
बैठे बैठे घर में सोचे बस बेग, बाहर निकल स्टार्टअप कर, डोंट बी अ डेक। जिसने पंगा लिया हमने उसका पीसी फोड़ा। आई लव जीतू सिंह, सतरा का यार ये भैन का लोड़ा। टॉप थिंग्स अबाउट जीतू आई लाइक, या यू गेस इट राइट, हिज वाइफ। काश मिल जाए ऐसी गर्ल विद फीचर्स, बट दीज एंट लॉयल सो आई एम अ पिचर। नवीन जैसा लीडर, मंडल जैसा यार, जीतू जैसा सीनियर यो भी करे अत्याचार। सीजन 2 का वेट किया मैंने 100 साल, TVF अब सीजन तो डाल भी दो यार। घुस जाएंगे वेब सीरीज में तीर है बैंकचोद, सल्लू से बोले तू डियर है बैंकचोद, कभी भी हो जाएंगे फिट हम चार, क्योंकि डियर है बैंकचोद। नवीन जैसा लीडर, मंडल जैसा यार, जीतू जैसा सीनियर यो भी करे अत्याचार। सीजन 2 का वेट किया मैंने 100 साल, TVF अब सीजन तो डाल भी दो यार। घुस जाएंगे वेब सीरीज में तीर है बैंकचोद, सल्लू से बोले तू डियर है बैंकचोद, कभी भी हो जाएंगे फिट हम चार, क्योंकि डियर है बैंकचोद।